सो टाइम टू रिप्लेस माई माइक्रोफोन। तो आई जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम डिलीवरी पर्सन एंड आज मुझे मेरा बोया का माइक्रोफोन रिप्लेस करके मिल जाएगा। तो आई एम ऑन माई वे एंड रिप्लेस करने के साथ साथ बाजार भी सर में देखे जाएगा घर पे एंड देन फिर इसकी अनबॉक्सिंग वापिस से करेगा एक बार। इट्स 11:35 एट आफ्टरनून। रिप्लेस माई माइक्रोफोन एंड वंस अगेन वेरी एक्साइटेड अनबॉक्सिंग दिस फॉर द सेकंड टाइम ऑन माई चैनल। एंड इसका जो बॉक्स है वो प्रीवियस वाले से काफी ज्यादा चौड़ा है। तो घर पे आते हैं कुछ तरकारी ले लेते हैं एंड मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ये स्कूल है। एंड ऑल्दो ये जो सनलाइट है वो इतनी हार्श है पर जब मैं छांव में आता हूँ तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है एंड दैट्स द रीजन आई एम वेयरिंग माय स्वेटर। एंड पिछले दो दिनों से बाप रे बाप 15 डिग्री जा रहा है रात में। तो रात में तो बिल्कुल भी बेहोश हो जाते हैं। फाइनली आई एम व्लॉगिंग ऑन माय न्यू माइक्रोफोन। यू गाइस कैन हियर अ होल न्यू ऑडियो क्वालिटी। तो इसके पहले वाला जो व्लॉग है उसको मैंने अभी जस्ट पब्लिश किया हूँ। वो व्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया है। उस व्लॉग में मैंने पूरा आपको बताया था डैड उस माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम थी एंड पूरा रिप्लेसमेंट का मैंने आपको बताया था मैं कैसे करने वाला हूँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा न्यू माइक्रोफोन है वो जो आज मिल गया है जिससे अभी ये व्लॉग शूट हो रहा है। असल वालेकुम मैंने गैस व्हाट्सएप पर माय नेम इज आदम एंड आप सभी लोग एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। सो आई बिलीव दैट आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। अभी जो चीज़ें चल रही है दुनिया में उसकी वजह से लिटरली कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड अभी जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ एकदम बेसिक रॉ व्लॉग्स है। आई नो उसमें सिनेमैटिक्स एंड स्लोमो वगैरह वीडियोस नहीं है बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक बेस्ट व्लॉग्स फॉर यू गाइस ताकि आप ये जो मैं टाइम निकाल कर व्लॉग्स देखते हो वो वर्थ हो। ऐसे नहीं मैं आपको कुछ भी बना के दे दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है और बहुत सी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना है जो कि आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं गर्मी के छटके खा रहा था मैं यहाँ पे खड़े खड़े से पहले वाला जो मैं डिफेक्टिव माइक्रोफोन था वो जब नहीं चला था एंड मैं इसको रिप्लेसमेंट करने के बारे में सोच रहा था तब मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आए थे। तो जैसे कि आपने कहीं सुना है देखा तो होगा दैट ऑनलाइन से आप चीज मंगाते हो एंड वो खराब हो जाती है उसके बाद रिप्लेसमेंट या बहुत सारी अगर आपने ऐसी बातें सुनी होगी तो वही मेरे सब दिमाग में चल रहा था कि मेरे इतने पैसे लगे इस माइक्रोफोन के ऊपर अगर इस माइक्रोफोन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऐसे सब थॉट्स मुझे आ रहे थे एंड फिर मैं लपा का नाम लिखे इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला एंड मेरी रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो गई एंड फाइनली आज मुझे मेरा माइक्रोफोन मिल रहा है जिससे व्लॉग शूट हो रहा है। तो इसके बाद में मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो हम वीडियोस देखते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में वो रियल होते हैं या फेक होते हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है माइक्रोफोन रिप्लेस करने का वो एकदम स्मूथ हो गया एंड थैंक यू सो मच फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो जो सेलर उनका भी यस ये जो एक बात थी मुझे आपके साथ शेयर करना था क्योंकि आप देख रहे हो सन का पैच अभी यहाँ पे जस्ट मैंने एक रील शूट किया जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड क्या वीडियो रिकॉर्ड हुआ भाई साहब। तो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे जो मोइन बाबा उनके घर के बाजू में एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोला है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है काफी ज्यादा दूर है हमारे घर से A few inches later. तो अभी जस्ट सनसेट हुआ है एंड चेक आउट द स्काई माशाल्लाह आप कलर देख सकते हो बादल का एंड यहाँ का क्लियर है पूरा बट ये जो पैच है जहाँ पे मैं रोज दिखता हूँ लुक एट दैट एंड इट्स 6:15 ब्यूटिफुल।
के सेंडिंग में आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ मैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। कि ये जो ट्रिक है वो मैं खुद यूज करता हूँ एंड वापस इसका यूज करने वाला हूँ मैं। तो रील्स एंड शॉर्ट्स के ऊपर अगर आप लिप सिंक वीडियोस बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियो सुनने में एकदम कम आता होगा आपके मोबाइल फोन के थ्रू। तो जब टिकटॉक था तो मैं टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस बनाता था एंड जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था तब मैं एक ट्रिक यूज करता था। तो फर्स्ट ऑफ आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी अगर आपके पास है, नहीं तो आप खरीद सकते हो, इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। सो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गाइस नीड जस्ट अ ब्लूटूथ स्पीकर जो कि हम सबके पास होता है। ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा हूँ क्योंकि मेरा पुराना वाला स्पीकर है वो खराब हो गया है। एंड इसके अलावा मेरे पास एक और स्पीकर है जो कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा है एंड मुझे चाहिए था कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल स्पीकर, इसकी वजह से मैं स्पीकर को खरीदा। एंड ये सिमिलर JBL के स्पीकर जो आते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। इसके सिमिलर डिजाइनर्स की ऐसी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है एंड ऑल्सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी एकदम सही है। तो मैंने इसको रेड कलर में खरीदा, इसके साथ में आपको एक चार्जिंग केबल भी चाहिए जिससे तो एक्स्ट्रा स्पीकर एकदम बेसिक सा स्पीकर है। आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का एंड वॉल्यूम अप डाउन का एंड ऑल्सो आप इसे कॉल रिसीव भी कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल स्टैंड भी है साथ में एंड इसका आप कहीं भी टिंगा भी सकते हो जो कि अच्छी बात है। बहुत ज्यादा लाउड है तो ये जो आप स्पीकर देख रहे हो बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, इसको आराम से बैग में कैरी कर सकता हूँ। तो अभी आपको ट्रिक बता दो, सिंपली ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फोन के साथ में कनेक्ट करो एंड आपका फोन कहीं भी स्टैंड पे खड़ा कर सकते हो। एंड देन इसके बाद मोबाइल आपसे दूर होता ही है, साथ में आप यहाँ कंट्रोल भी कर सकते हो प्ले पॉज का। एंड काफी ऐसे टाइम होते हैं जब फोन हमारे से दूर होता है, जो चीज हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसकी आवाज हमें प्रॉपरली सुनाई नहीं देती। तो सिंपली से आपके कोई भी स्पीकर को आप अपने साइड पर रख सकते हो एंड आपको यहाँ से साइड में आवाज भी आती रहेगी, सामने से आपका वीडियो भी शूट होता रहेगा जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड ये पर्सनली मैं खुद करता हूँ, इससे मैंने काफी सारे टिकटॉक वीडियोस शूट किए हैं एंड बेसिकली मैं इसको खरीदा वापस से रील्स एंड शॉर्ट्स में मुझे एक्टिव होना है बहुत ज्यादा। यस इज अ स्मॉल हैक टिप जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय हार्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। टिल देन नरी फॉर वर्क हार्ड ड्रीम बिग एंड पीस आउट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके व्लॉग के सरगा। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, सब पे ऐड एंड फॉलो कर लो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैवंट येट, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है हम 2000 सब्सक्राइबर्स से। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस न्यू माइक्रोफोन की आवाज कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, पीस आउट।